हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गूगल शीट पढ़ने वालों के लिए खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। क्यूआर कोड, जी हाँ दोस्तों, क्यूआर कोड जनरेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा क्यूआर कोड मैंने जनरेट कर रखा है, ये इसे मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये वो क्यूआर कोड है, आप इसे देख सकते हैं। इसको मैं सिलेक्शन में लेकर के और इसे यहाँ से अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, और फिर यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ मिडिल अलाइन। ओके, तो ये देख सकते हैं ये क्यूआर कोड हमने जनरेट किया है। और आपको ऐसा क्यूआर कोड जनरेट करना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये देखिए, ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इसको मैं आपको एक बार न्यू टैब ओपन करके और फिर यहां पर दिखाता हूं। ये लिंक आपको सर्च करना है, ठीक है, आपको यही लिंक सर्च करना है, कोई दूसरा लिंक सर्च मत कीजिएगा, नहीं तो क्यूआर कोड नहीं जनरेट कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इस लिंक को सर्च कीजिएगा और जैसे ही ये लिंक आपको दिख जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप यहां से हमारे वीडियो से अगर ये लिंक पाना चाहते हैं तो इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप डायरेक्टली यहां से गूगल पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं ये लिंक, ठीक है। https://chart.googleapis.com/chart और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क CHS इज इक्वल टू साइज आप जो भी रख लीजिए 250 रख लीजिए या जो भी, और फिर एंड CHT इज इक्वल टू QR एंड CHL इज इक्वल टू, यही वो लिंक है, ठीक है। इसी लिंक को चाहे तो आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च कीजिए, वहां से कॉपी कर लीजिए, आप आसानी के साथ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसको सर्च करता हूं तो ये देखिए, ये इस तरह से आएगा, ये वो लिंक है, और यहां से अब इसको राइट क्लिक करके आप कर लीजिएगा कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। और इसको कॉपी करके और आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल शीट में ले आकर के पेस्ट कर देना। ये देखिए, यहां पर आइए और यहां पर पेस्ट पर कर दीजिए क्लिक, तो ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसको रख लिया है आपने, कॉपी भी कर लिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, जैसे ये मैंने पहले बना रखा है, इसको हटा देता हूं, यहां से हटाता हूं। अभी हम क्या करेंगे, यहां पर QR कोड लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसका नाम है राम, ठीक है, और राम का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कुछ ये है, ठीक है, ये राम का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ओके। और यहां पर QR कोड हमें करना है जनरेट, तो कैसे जनरेट करें, इज इक्वल टू का निशान लगाइए, लिखिए इमेज, ठीक है। इमेज एक फॉर्मूला है जो कि आपको सिर्फ गूगल शीट पर देखने को मिलेगा, आपको ये एक्सेल पे नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहां पे इमेज ले लीजिए और अब डबल एटेड कोड्स में आपको क्या लिखना है, यही लिंक जो है कॉपी कर देनी है इस लिंक को से, और कॉपी तो पहले ही कर चुके हैं, पेस्ट कर दीजिए। तो ये पेस्ट कर दिया हमने, और पेस्ट करने के बाद ये जो साइज है इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर लेता हूं इस तरह से, ये बल्कि यहां से इंक्रीज करता हूं। अब ये देख सकते हैं यहां पे ये लिंक आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू तक हम आ चुके हैं, ये जो डबल डॉट कॉमा क्लोज हुआ है इसके बाद कर्सर को लेके आइए और लिखिए एंड, और हम रजिस्ट्रेशन नंबर का क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, आप जो भी जनरेट करना चाहते हो उसका रो और कॉलम देख लीजिए। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर का जो क्यूआर कोड हम जनरेट करना चाहते हैं उसका कॉलम है डी और रो है 2, तो यानी हमें लिखना है D2, एंड लिखने के बाद आपको क्या लिखना है D2, बस यही लिखना है आपको, और ब्रैकेट को कर देना है क्लोज एंड यू हैव टू हिट एंटर। तो जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो यहां पर जनरेट होकर आ जाएगी आपकी क्यूआर कोड, तो ये देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई अदर स्टूडेंट है, जैसे मान लीजिए है श्याम, तो ये श्याम का जो भी क्यूआर कोड होगा वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ये जब ड्रैग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो मैं अब ये दिखाता हूं आपको, जैसे मान लीजिए वनीश, ये लिख दिया हमने, और इनका क्यूआर कोड जनरेट करना है तो यहाँ पे कुछ लिख दिया हमने, और इसका क्यूआर कोड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई और नाम हो तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं सीता, ठीक है, और यहाँ पर अगला क्यूआर कोड जो है जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आयुष, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर अगला क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्यूआर कोड, बहुत सारे क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, इसको ड्रैग करो बस आप, और आपका क्यूआर कोड आपके सामने होगा, ये देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा इसकी विथ मैं बढ़ा देता हूं यहां से ताकि आपको अच्छे से ये दिखे, यहां से बढ़ा दिया, यहां से बढ़ा दिया, ओके। फिर ऐसे ही इसको भी कर देते हैं और एक इसको भी कर देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्यूआर कोड हम जनरेट कर पा रहे हैं बहुत ही इजीली। आप चाहे तो इसके चारों तरफ
बॉर्डर बना सकते हैं। कैसे, यहां पे बॉर्डर दिया हुआ है, यहां पर आप क्लिक करें और ये ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दें तो ये इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से अब दिखाई पड़ने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।